ये नाक में लगा लेने का, ये पीने की, पीने की जी, तेल में आपको देते ठीक है। आप पे आते हैं ना, लगा दिया तो ताकि इंफेक्शन ना हो। मेडिकल ऑफिसर आयुष, और ये हमारा जो है हमारी जो मेडिसिन आई है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, ये आज हम जगह जगह पे बांट रहे हैं, और इससे पहले भी हम कई रोज़ से ये दवाइयाँ जो हैं ये दे रहे हैं। हमने पहले एडमिनिस्ट्रेशन में दी, डी साहब को दी, एसएसपी साहब को दी, उनके जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके अंडर काम कर रहे हैं उनके लिए वो दवाइयाँ दी हैं। उसके अलावा हमने पीएचई में, पीडीडी में, म्यूनसिपल्टी में सीएमओ साहब को दिए हैं, बीएमओ मेंडर, मंडी, सुरनकोट, तीनों बीएमओज को दिए हैं, और ये उन लोगों के लिए दवाइयाँ हैं जो क्वारंटाइन में काम कर रहे हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो क्वारंटाइन में काम करते हैं, जिनकी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर हो जाती है, और वो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये दवाइयाँ हैं। ये हमें जब दवाइयाँ आई हैं, और इसके अलावा हमें आज और दवाइयाँ कुछ आ रही हैं जो हम कल से फिर इसमें मिशन में लगे हुए हैं दिन रात। जिस तरह सब लोग, हम हेल्थ वर्कर्स हैं, पुलिसमैन हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, सफाई वाले हैं, तमाम लोग मिलजुल के जब इस बीमारी के अगेंस्ट लड़ेंगे तो इंशाल्लाह ये बीमारी जो है वो ये दूर हो जाएगी, और इस बीमारी का खात्मा करना है हमने मिलजुल के सब ने, क्योंकि पूरी दुनिया में बीमारी फैल चुकी है और पूरी दुनिया इस बीमारी से इस वक्त परेशान है। और हमने इसके अलावा लॉकडाउन का जो है वो भी पालन करना है, हमने एक दूसरे से जितनी दूरी बनाए रखनी है, जिस तरह से हमें ऊपर से आदेश आते हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जिस तरह से हमें आदेश दिए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, जैसे हमें आदेश आते हैं, हमने सबका पालन करना है। जब हम सब मिलजुल के पालन करेंगे इन चीज़ों का, तो हम इंशाल्लाह इस बीमारी को दूर भगाएंगे और हम स्वस्थ रहेंगे, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा। आज हम ये जगह जगह ये दवाइयाँ जो हैं आज तमाम पुलिस के नाकों पर ये बाँट रहे हैं आज।